दोस्तों, नाग पंचमी की कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, यह कथा पूरी सुनना, आधी सुनने से भगवान शिव का अपमान होता है। नाग पंचमी की कथा जीवन में फैले अंधकार को दूर कर देती है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इस कथा को सुनने से काल सर्प दोष, पितृ दोष दूर हो जाता है, गरीबी दूर हो जाती है, जीवन में खुशियाँ आती हैं। प्राचीन काल में एक सेठ थे, सेठ के सात पुत्र थे, सातों की शादी हो गई थी और सेठ की सात बहुएं थीं। सेठ की जो सबसे छोटी बहू थी वह बहुत ही सुशील और संस्कारी थी, वह भगवान पर अटूट विश्वास रखती थी और सभी जीवों के प्रति उसके मन में बड़ी श्रद्धा थी। एक दिन सेठ की बड़ी बहू ने कहा, आज घर आंगन को मिट्टी से लीपना है। सभी बहुएं घर से मिट्टी लेने के लिए खुरपी लेकर के गईं और मिट्टी खोदने लगीं। मिट्टी खोदते समय एक सांप निकला, बड़ी बहू उस सर्प को खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने कहा, इसे मत मारो, यह तो निरपराध है, इसका कोई दोष नहीं है, दोष तो हमारा है, यह तो मिट्टी में रहने वाला जीव है। इतना सुनते ही बड़ी बहू ने उस सर्प को छोड़ दिया, उसे नहीं मारा। सर्प दूसरी ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू उस सर्प के पास गई, प्रणाम किया और बोली, आप जाना मत, मैं अभी आ रही हूँ। इतना कहकर वो सर्प के लिए दूध लेने घर चली गई। घर पहुंचकर वह घर के काम में व्यस्त हो गई। वह भूल गई कि वह सर्प से वादा करके आई है। लेकिन जब दूसरे दिन उसे याद आया, तब वह कटोरी में दूध लेकर पहुंची तो देखा कि सर्प अभी भी वहीं बैठा है। वह जाते ही बोली, भैया मुझे माफ करना, मैं भूल गई थी। सर्प ने कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला, इसलिए मैं तुम्हें अभी डस लेता, लेकिन तुमने मुझे भाई कहा है, इस नाते तो आज से मेरी बहन हो गई। उस सर्प ने कहा, बहन तुझे जो मांगना है मांग लो। तब छोटी बहू ने कहा, मेरा भाई नहीं है और आज मुझे भाई मिल गया, इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भैया, जब मैं पुकारूं तो तुम जरूर चले आना। सावन का महीना आया, सेठ की सारी बहुएं अपने अपने घर जाने लगीं। तब सेठ ने छोटी बहू से कहा, तू कहाँ जाएगी, तेरे तो मायके में कोई नहीं है। यह सुनकर छोटी बहू बहुत रोई। तभी वह सर्प मनुष्य का रूप धारण कर उसके घर आ गया और बोला, मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। तब सेठ ने कहा, इसका तो कोई नहीं है, तो फिर तुम कहाँ से आ गए। उसने कहा, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ और इसे ले जाने आया हूँ। बहुत विश्वास दिलाने के बाद सेठ ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। मित्रों, जब वह रास्ते में पहुँचा तो बोला, बहन मैं तुम्हारा भाई सर्प हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ नागलोक ले जाने आया हूँ, तुम डरना मत, बस तुम मेरी पूँछ पकड़ लो। छोटी बहू ने वैसा ही किया। छोटी बहू जब उस सर्प के साथ नागलोक पहुंची तो वहां की धन संपदा देखकर आश्चर्यचकित हो गई। वह नाग उसे लेकर अपनी माता के पास पहुंचा और बोला, माँ ये मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई है, यह कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी। उस सर्प की माँ ने छोटी बहू को गले से लगा लिया और छोटी बहू वहां खुशी से रहने लगी। वहां शेषनाग के छोटे छोटे बच्चे थे, माँ रोज दूध ठंडा करके घंटी बजाती और वह बच्चे बाहर आकर दूध पी लेते। एक दिन छोटी बहू बोली, माँ आज मैं दूध ठंडा कर देती हूँ। दूध पूरी तरह ठंडा भी नहीं हुआ था, उसने घंटी बजा दी। सभी आकर दूध पीने लगे, उनके फन गर्म दूध से जल गए। वे क्रोधित होकर उसे डसने चले, तभी माँ ने समझाया तो सभी मान गए। मित्रों, जब छोटी बहू को सेठ घर जाना हुआ तो उसके भाई सर्प और उसकी माँ ने उसे बहुत से हीरे मोती जवाहरात देकर विदा कर दिया। उसमें एक हार भी था जो बहुत ही सुंदर व कीमती था। इतना धन देखकर और हार की सुंदरता देखकर उसकी चर्चा सारे नगर में फैल गई। धीरे धीरे यह बात उस राज्य के रानी तक पहुंच गई कि सेठ की बहू के पास बहुत ही सुंदर कीमती हार है। रानी ने राजा से वही हार मांगा। राजा के सैनिक सेठ के पास पहुंचे और राजा की इच्छा बताई। सेठ ने राजा के डर से छोटी बहू का हार सैनिकों को दे दिया। सेठ की बहू बहुत दुखी हुई और रोने लगी। उसने सारी बात अपने भाई सर्प से बताई। उस सर्प ने कहा, बहन तुम दुख न करो, वह घर राजा आकर स्वयं वह हार तुम्हें घर आकर के दे जाएगा। मित्रों, उधर जैसे ही रानी ने वह हार गले में पहना तो वह सर्प बन गया। रानी ने डर कर वह हार फेंक दिया। राजा ने सेठ की छोटी बहू को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दे दिया। सेठ छोटी बहू को लेकर राजा के पास गया तो राजा बोला, तुमने कैसा जादू किया है। बहू बोली, राजन मेरा इसमें कोई दोष नहीं, यह हार ऐसा ही है, इसे मेरे भाई सर्प ने मुझे दिया है। तभी वहाँ वह सर्प प्रकट हो गया और बोला, राजन यह मेरी बहन है, इसे मैंने यह हार दिया है। सभी ने नाग को देखकर नाग देवता को प्रणाम किया। दोस्तों, उस दिन से नाग पंचमी थी,
तभी से सभी स्त्रियां नाग देवता को अपना भाई मानकर पूजा करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन महीने की पंचमी के दिन नाग देवता को गाय का कच्चा दूध पिलाना चाहिए। ऐसा करने वालों का सदा कल्याण होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख देना। ओम नमः शिवाय।